हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ए स्क्वायर क्रिएटिविटी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप सबके लिए एक नया प्लांट, नया टॉपिक लेके आए हैं पार्चुला का। देखिए, ये प्लांट है जो पिछले साल का है, सूख गया था, बहुत थोड़ा सा बचा है। लास्ट ईयर मेरे पास ये बहुत ज़्यादा कई पॉट में लगा था, लेकिन पौधा सिर्फ गर्मियों का है, गर्मियों के टाइम पर ही ये अच्छा ग्रोथ करता है और जब ठंडा का टाइम आता है तो ये अपनी डोरमेंट स्टेज में चला जाता है और उस टाइम इसकी ग्रोथ बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। तो उस टाइम इसको सेव करना होता है। मैंने थोड़ा सा ये सेव कर लिया था, इतना बच गया है। तो अब मई का महीना चल रहा है और मई में हम लोग क्या करते हैं कि इसकी रिपोर्टिंग करते हैं और अच्छी तरीके से इसको सॉइल मिक्स देते हैं और अच्छा एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराते हैं इसको और इसकी ग्रोथ कराते हैं। और ये डिफरेंट टाइप, देखिए ये पार्चुला का प्लांट जो है वो डिफरेंट टाइप के कलर्स में इसके फ्लावर्स आपको मिल जाएंगे। मेरे पास 3 से 4 फूल का जो है कलेक्शन इसमें है। मैंने एक ही में सब लगा दिए थे सारे प्लांट। वाइट कलर का है, रेड कलर का है और पिंक कलर का है। 3 कलर के मेरे पास पार्चुला का हैं। तो आज हम लोग इसको रिपोर्ट करने वाले हैं और इसमें इसके लिए क्या क्या सॉइल मिक्स की नीड होती है और किस तरीके का इसको हमें इन्वायरमेंट देना है, कब पानी देना है, सारी जानकारी आपको दी जाएगी। आप बस आप वीडियो में बने रहिए और स्टेप बाय स्टेप स्किप मत कीजिएगा वीडियो। आप पूरी वीडियो देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। आप अपने घर पर भी इसी तरीके से इसको रिपोर्ट कर सकते हैं और अच्छा इन्वायरमेंट दे सकते हैं, इसकी वेल ग्रोथ कर सकते हैं और भर भर के फूल ले सकते हैं, क्योंकि अब इसका वक्त आ गया है फ्लावरिंग करने का। लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं कि इसके छोटे छोटे टुकड़े काटते हैं। तो या तो आप इसको हाथ से तोड़ लीजिए, ठीक है, तब भी, क्योंकि इसका स्टेम बहुत ही, ये देखिए, बहुत सॉफ्ट होता है और ये हाथ से टूट जाएगा। देखिए ये टूट गया है, इस तरीके से आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप अच्छा शार्प कट देना चाहते हैं तो आप किसी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैं ये चाकू इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन ये प्लांट भी लिविंग थिंग है तो हम इस्तेमाल करने से पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको स्टरलाइज कर लेते हैं। इस लोहे के ऊपर जो बैक्टीरिया लगे हैं वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, तब इसका मैं इस्तेमाल करता हूँ। ओके, चलिए हम लोग इसकी कटिंग कर लेते हैं प्लांट की। कटिंग के ज़रिए इसको मैं ग्रो करके दिखाऊंगा आपको और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आप इसको एक अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छी सॉइल मिक्स, पानी कब देना है, धूप कितनी चाहिए, अगर सब कुछ आप इसको राइट अमाउंट में देते हैं तो ये 15 से 20 दिन में बहुत अच्छी ग्रोथ करके आपको ढेर सारी फ्लावरिंग देने वाला है। सॉइल मिक्स जो यूज़ करने वाला हूँ मैं इसके लिए, तो मैंने ये 60 to 65% ये नॉर्मल गार्डन सॉइल ली है, ओके। और मैंने इसमें ये 30 to 35% 40% के करीब में लगभग ये काऊ डंग का इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसमें एक्स्ट्रा आपको कुछ और ज़्यादा मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। और इसको कैसे हम एसिडिक एनवायरनमेंट देंगे, तो उसके लिए मैं कुछ नेचुरल चीज़ें यूज़ करता हूँ, मैं वो भी आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको सॉइल मिक्स अच्छे से ये मिक्स कर लेते हैं। अगला स्टेप है इसके लिए पॉट को चूज़ करना। तो मैंने ये देखिए को मैं इसके लिए चूज़ कर रहा हूँ ये पॉट। ये मैंने पॉट खुद बनाया है। अगर आप इस तरीके का पॉट बनाना चाहते हैं घर पर ही बहुत ईजली वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल करके, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और उस लिंक को देख करके उस वीडियो के ज़रिए आप घर पर ही इतना खूबसूरत सा ये पॉट बना सकते हैं। तो मैं अपने पार्चुलाका के लिए इस पॉट को चूज़ कर रहा हूँ। पहले तो इसके ड्रेन होल को थोड़ा सा मैं कवर करता हूँ ताकि एक्स्ट्रा मिट्टी ना निकल जाए, ओके। और फिर मैं क्या करता हूँ कि इसमें पहले मिट्टी भरता हूँ। ये इस तरीके से मैंने मिट्टी इसमें डाल दिया, ओके। ये मैंने पूरा पॉट भर लिया है मिट्टी से अच्छे से,
अब मैं इन कटिंग्स को, जो ये पारचुलाका की कटिंग्स है, इसको मैं इसी में लगाता हूँ। इसमें लगभग 3 तरीके के फूल का कलेक्शन है। बस आपको इस तरीके से पकड़ना है और ये इस तरीके से आपको इसमें पुट करते जाना है, ये ऐसे। तरीके से अभी ट्रीट करना है इस प्लांट को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे 2 दिन तो मैं शेडी एरिया में रखूँगा, ढेर सारा पानी दे करके। तो मैं ऐसी धूप में रखूँगा जहाँ पर दिन भर में लगभग 2 से 3 घंटे की धूप हमें मिले। तो फर्स्ट 3 to 4 डेज ऐसा करना है और उसके बाद मुझे फुल सनलाइट में इसको ट्रांसफ़र कर देना है, दिन की जहाँ पूरी धूप इसको मिलती रहे, क्योंकि ये प्लांट धूप में ही बहुत अच्छा ग्रो करता है। और इसको एसिडिक सॉइल चाहिए, तो एसिडिक सॉइल के लिए मेरे पास होममेड एक फर्टिलाइज़र है, मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ। दोस्तों, हम सब के घर पे एक चीज़ का ज़रूर इस्तेमाल होता है, नींबू आप खाने में सलाद में यूज़ करते हैं, बट उनके छिलकों को आप क्या करते हैं? मोस्टली लोग उसको फेंक ही देते हैं, लेकिन मैं नहीं फेंकता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इस तरीके की देखिए ये बोतल है, मैं इस बोतल में इनको कलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और इसमें वाटर भर देता हूँ, पानी भर देता हूँ, और इसका जो पानी ये निकलता है, ठीक है, तो जितने भी मेरे पास फ्लावरिंग वाले प्लांट हैं, 1 महीने में 3 बार मैं इस पानी को लगभग 10 लीटर पानी में 50 से 60 ml इस जूस का इस्तेमाल करता हूँ। जो पास फ्लावरिंग प्लांट है मैं उसमें इस्तेमाल करता हूँ, और ख़ासकर उन प्लांट्स में ज़रूर डालना पड़ता है इसे जिन्हें एसिडिक सॉइल की नीड है। जैसे ये हमारा पारचुलाका का प्लांट है, तो इसे एसिडिक सॉइल चाहिए, तो इसमें मैं इसको इस्तेमाल करूँगा, लेकिन अभी नहीं। अभी जब इसमें रूटिंग हो जाएगी नॉर्मल सॉइल में ही, तब मैं इसका इस्तेमाल करूँगा। ओके, तो इसको मैं फ़िलहाल के लिए अभी तो शेडी एरिया में रख रहा हूँ, और अब आप 15 से 20 दिन का वेट कीजिए। आफ्टर दैट हम लोग इसको देखेंगे कि इसमें क्या 20 दिन में ग्रोथ हो रही है। 20 से 22 दिन हो गए हैं लगभग, अब आज 6 जून है, तो हम लोगों ने जो आज से 20-22 दिन पहले जो रिपोर्टिंग की थी पारचुलाका प्लांट की, और उसको एक अच्छे से गमले में लगाया था, तो उसको अब दिखाने की बारी है। तो हम लोग ये देखते हैं, आप ये देखिए कि इसमें 3 टाइप के हमने बताए थे फ्लावर हैं, कलर का है, पिंक कलर का है, और ये वाइट कलर का हो गया, और एक ये देखिए मिक्स कलर में, इस तरीके से ये मिक्स कलर है, पिंक भी है इसमें, पिंक एंड वाइट का मिक्सचर है, ये आप देख सकते हैं। ये मैंने आपको एक गमले में लगा के दिखाया था, मैं उसके बाद फिर मैंने इसको डिफरेंट टाइप के ये पॉट में शिफ्ट कर दिया था और लगा दिए थे। तो देखिए कितना भर भर के निकला हुआ है और कितनी कलियां हैं जो अभी बिल्कुल निकलने वाली हैं, और इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है 20 से 25 दिन के अंदर। इसमें आपको वाटरिंग कब करनी है, आप इसमें ज़्यादा पानी मत डालिए। जब इस तरीके की देखिए ये इस तरीके की जब मिट्टी सूखने लगे, मिट्टी आपको इसमें पानी नज़र ना आए, तब आपको पानी डालने की नीड है। अगर आपको इसमें नमी दिख रही है तो आप इसमें पानी बिल्कुल भी मत डालिए, क्योंकि तब इसकी रूट जो होती हैं वो सड़ना स्टार्ट कर देती हैं। और अच्छी फ्लावरिंग के लिए मैं कभी कभी महीने में एक बार लहसुन और प्याज का जो छिलका होता है उसका भी पानी मैं डालता हूँ, उससे भी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, क्योंकि उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप वाकई आपको पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मुझे इस तरीके से इनकरेज करेंगे तो मुझे भी एक नई एनर्जी मिलती है कि मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आऊँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच।